नमस्कार दोस्तों, इंडिया बोलेगा में आपका स्वागत है। जौनपुर में माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड ने शनिवार को हाई स्कूल व इंटरमीडिएट का परिणाम घोषित कर दिया। औसत अंक से जारी परिणाम से अधिकतर छात्र छात्राएं और उनके अभिभावक खुशी से झूम उठे। यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए जनपद के 641 विद्यालयों के 1,67,036 छात्र छात्राएं पंजीकृत थे। वैश्विक महामारी कोरोना के चलते बिना परीक्षा के औसत अंक के आधार पर परीक्षा का रिजल्ट तैयार किया गया है। बोर्ड परीक्षा फल का इंतजार छात्र छात्राएं बेसब्री से कर रहे थे। परिणाम के लिए शनिवार की तिथि की जानकारी होने के बाद अपना रिजल्ट जानने के लिए परीक्षार्थियों की शुक्रवार की रात से ही उत्सुकता में बीती। वहीं अभिभावक भी इसे लेकर परेशान रहे। जनपद का परीक्षा फल पिछली बार से इस बार बेहतर रहा। हाई स्कूल व इंटरमीडिएट में 80% से अधिक अंक पाने वालों की संख्या अधिक रही। यूपी बोर्ड परीक्षा का आंकड़ा की बात किया जाए तो जनपद में हाई स्कूल के मेधावियों की बात की जाए तो अर्पिता सिंह 93.50%, सेंट थॉमस इंटर कॉलेज सबरहत सौम्या 93.50%, सेंट थॉमस इंटर कॉलेज सबरहत प्रखर राय 93.33%, मतलब नेहरू बालोद्यान इंटरमीडिएट कॉलेज शिवम यादव 93, हरिहर सिंह पब्लिक स्कूल जय मौर्य 92.50, राजा राम पब्लिक इंटर कॉलेज नौपेड़वा भूमि चौरसिया 92.50, सेंट थॉमस इंटर कॉलेज सबरहद ध्रुव प्रजापति 92.50, सेंट थॉमस इंटर कॉलेज सबरहद कलश यादव 92.40, संग्राम बालिका इंटर कॉलेज बदलापुर कोमल यादव 92.16, नेहरू बालोद्यान इंटरमीडिएट कॉलेज आर उपाध्याय 92.16, हरिहर सिंह पब्लिक स्कूल। वहीं इंटरमीडिएट के मेधावियों की बात की जाए तो वंशिका सिंह 90.50, संग्राम बालिका इंटर कॉलेज बदलापुर दीक्षा दुबे 88.60, राजा राम मेमोरियल पब्लिक स्कूल नौपेड़वा श्रेया सिंह 87.80, माँ शारदा इंटरमीडिएट बालिका विद्यालय खानापट्टी आंचल यादव 87.60, माँ शारदा इंटरमीडिएट बालिका विद्यालय खानापट्टी आयुष दुबे 87.60, हरिहर सिंह पब्लिक स्कूल रूपाली पांडे 87%, माँ शारदा इंटरमीडिएट बालिका विद्यालय खानापट्टी खुशी यादव 86.80, माँ शारदा इंटरमीडिएट बालिका विद्यालय खानापट्टी पल्लवी पाल 86.80, हरिहर सिंह पब्लिक स्कूल चांदनी यादव 85.80, राजा राम मेमोरियल पब्लिक स्कूल नौपेड़वा पीयूष पांडे 85.60, नेहरू बालोद्यान इंटरमीडिएट कॉलेज श्रीति मौर्य 85, माँ शारदा इंटरमीडिएट बालिका विद्यालय खानापट्टी निवेदिता पांडे 85, राजा राम मेमोरियल पब्लिक स्कूल। इस दौरान परीक्षा परिणाम आने के दौरान यूपी बोर्ड ने शनिवार को इंटरमीडिएट हाई स्कूल का परिणाम जारी किया। इस दौरान वेबसाइट स्लो होने के कारण छात्रों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा और अभिभावक भी काफ़ी परेशान हुए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी जरूर।